Hi guys, this is Amrit from Ivan Australia IELTS PT and RT Coaching. So today's video is gonna be a little different because today I'm gonna be talking in Hindi. क्योंकि यार लाइक सब ना इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं होते. ओके और अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा तो आपको भी ज़्यादा अच्छा लगे, आपको भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा और मेरे को भी समझाने में इजी होगा. राइट ओके तो आज का हमारा वीडियो होगा ओवरव्यू पे फॉर द पीटी एग्जाम. विल गो थ्रू, हम सारे टास्क से गो थ्रू करेंगे. ओके तो यार वन थिंग, मेरी हिंदी वैसे काफ़ी फ्लुएंट है बट अगर मैं कहीं पर रुक गया या मेरे को कुछ सोचना पड़ा हिंदी में तो आइदर आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके या फिर आई विल टेक अ मोमेंट एंड देन आई विल स्टार्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू टॉकिंग. ओके तो हाँ, तो आज का हमारा सारा ओवरव्यू होगा पीटी एग्ज़ाम का. कौन कौन से टास्क हैं, टास्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उनकी वेटेज कितनी है. राइट एंड मैं ट्राई करूँगा कि 30-40 मिनट में सारा ओवरव्यू ख़त्म कर दूँ क्योंकि एक एक दो दो घंटे की वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं. बिकॉज नो बडी इज गोना वॉच द होल थिंग. राइट, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल. तो हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डैशबोर्ड से, विच इज़ द A1 ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन ग्रुप्स वेबसाइट. तो अभी मैंने एक स्टूडेंट की आईडी में लॉग इन किया हुआ, विच इज सॉरी हु इज नवदीप सैनी. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से. डैशबोर्ड में हमारी वेबसाइट पे जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसके आपके प्रोग्रेस आ जाती है सारी, लाइक है ना कि इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए. ओके उसके बाद हमारे आ जाते हैं द सेक्शन वाइज एनालिसिस. स्पीकिंग में आपके, पहली स्पीकिंग में आपके इतने आए, फिर राइटिंग में आपके इतने आए, रीडिंग में आपके इतने आए, ठीक है, लिसनिंग में आपके इतने आए, ऑल दैट. ओके तो उसके बाद ये मॉक टेस्ट हैं. वी हैव मॉक टेस्ट, हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी हैं. ओके वी हैव गॉट 10 मॉक टेस्ट और जब आप ये 10 कंप्लीट कर लोगे आपको और मिल जाएंगे. राइट तो उसके बाद हमारे आते हैं द सेक्शन वाइज. सेक्शन वाइज में वही है कि आपकी स्पीकिंग के लाइक प्रॉपर 30-30 मिनट की, 30-30 मिनट की ड्यूरेशन है. ओके राइटिंग के 40 मिनट है, रीडिंग के 33 मिनट्स हैं, लिसनिंग के 30 मिनट्स हैं, ऑल दैट. आज हम ये यूज़ करेंगे विच इज़ आर क्वेश्चन वाइज टेस्ट. इसमें हमारी सारी कैटेगरीज हैं फ्रॉम रीड अलाउड टू राइट फ्रॉम डिक्टेशन. ओके तो यार सबसे पहले तो आई विल टेल यू कि पीटी का जो पैटर्न है वो क्या है. ओके सो सबसे पहले आपके पास है आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, देन यू हैव गॉट योर रीडिंग, देन यू हैव गॉट, फिर आपके पास आ जाता है आपका लिसनिंग. ओके तो स्पीकिंग एंड राइटिंग के आपके आपके पास पहले होते थे 70 to 90 मिनट्स, 77 to 93 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्टली बोले तो. पर अब आपके पास हैं 54 to 67 मिनट्स. ओके रीडिंग के आपके पास होते हैं 30 मिनट, अब हैं 30 मिनट. ओके और लिसनिंग के आपके पास होते हैं 30 से लेकर 32 लेकर 43 मिनट्स, 30 to 43 मिनट्स. ओके हाँ तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे. ओके हमारी वेबसाइट पे पता लग जाता है, यू गेट टू नो कि कितने बार रिपीट हुए हैं, कितनी रिपीट रेशियो है और स्कोर कंट्रीब्यूशन कितनी है इसकी. ओके आपको ये पता चलता है कि इसमें किस मॉड्यूल के आपको मार्क्स मिलेंगे, स्पीकिंग के और रीडिंग के रीड अलाउड में मिलते हैं. ओके और एनेबलिंग स्किल्स की क्या क्या असेस होता है इसमें. ओके तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो रीड अलाउड में क्या होता है, रीड अलाउड में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आपने बस वो पैराग्राफ बोलना है. ओके यू शुड नॉट लीव एनीथिंग आउट, कुछ भी उसमें से कोई वर्ड नहीं छोड़ना और अपनी फ्लुएंसी बनानी है. सो इसमें जैसे इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत है एज ए टोल्ड यू अर्लियर, जिसे मैंने पहले बताया. ओके इसमें आपको स्पीकिंग के और रीडिंग के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने रीड करके स्पीक, यू हैव टू स्पीक राइट, आपने बोलना. और कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, ओरल फ्लुएंसी, मैं बताता हूँ क्या होते हैं. कंटेंट का मतलब आपने कोई वर्ड ओमिट नहीं करना, कोई वर्ड छोड़ना नहीं. ओके प्रोनाउंसिएशन का मतलब आपने हर वर्ड को क्लियरली बोलना. ओरल फ्लुएंसी का मतलब आपने रुकना नहीं है. ओके आपने अपनी टोन चेंज नहीं करनी. अगर आप ये तीन चीजें करोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन रीड अलाउड. रीड अलाउड में बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे. ओके ऐसे के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए. यू जस्ट हैव टू, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको अपनी रीडिंग बेटर करनी होती है. सी आई विल लेट यू इन ऑन लिटिल सीक्रेट, मैं आपको एक अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बस यही बोलता हूँ कि
अगर आपने रीडिंग में या लिसनिंग में या स्पीकिंग में या राइटिंग में किसी भी मॉड्यूल में आपने अगर बेटर करना है खुद को, तो आप अपनी रीडिंग बेहतर कीजिए। ओके, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के बोलेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग बेटर होगी, आपकी स्पीकिंग बेटर होगी। अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमको कोई सीखने की ज़रूरत तो नहीं है अब कि हाँ भाई अब ऐसे बोलना वैसे बोलना, ना ही हमको सोचने का ज़रूरत पड़ती है कि इसके आगे क्या बोलेंगे, है ना। तो वैसे है कि इंग्लिश अगर आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ले आओगे ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी जैसी लगेगी यार, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, तो अगर मैं एग्जाम्पल्स देने लग गया फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, बट आई'ल डू स्टार्ट, आई'ल गिव दिस एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगा। ओके, तो आपको ये टाइमर मिल जाता है टू रीड, आपको 35 सेकेंड्स मिलेंगे रीड करने के लिए सारा, 35 to 40 सेकेंड्स। ओके, तो आपने सारा रीड करना और अकेला अकेला वर्ड क्लियरली बोलना और फ्लुएंट बोलना। तो फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज़ बोलें या स्लो बोलें, जैसे भी, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं फ्लुएंसी और टोन में। ओके, फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लुएंसी और स्पीड में, फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप एक ही टोन में बोलें, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है RS, विच इज रिपीट सेंटेंस। तो रिपीट सेंटेंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत ही बार। ओके, हमारे पास एक प्रिडिक्शन फाइल भी होती है ऑफ एवन ऑस्ट्रेलिया, वी हैव अ प्रिडिक्शन फाइल जिसमें लाइक बहुत से ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ओके, हाँ, तो इसकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत हाई है। ओके, इसमें स्कोप, इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं आपकी स्पीकिंग के और आपके लिसनिंग के, क्योंकि स्पीकर बोलता है कुछ, यू हेयर अ साउंड, यू हेयर अ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस सुनाई देता है और फिर आपने उस सेंटेंस को ही बोलना होता है इन द सेम वे जैसे वो बोल रहे हैं। इसमें भी आपको कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी के मार्क्स मिलते हैं, विच इज़ आपने कोई वर्ड छोड़ना नहीं या रिप्लेस नहीं करना, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन सही रखनी है, आपने हर वर्ड क्लियरली बोलना और आपने अपनी फ्लुएंसी सही रखनी है। ओके, जिस टोन में स्पीकर ने बोला आपने उसी टोन में बोलना, राइट। हाँ जी, तो इसमें आपको 3 सेकेंड मिलेंगे फिर वो बोलेगा, देन यू हैव टू स्पीक द सेम, है ना। अभी तो ये हो गया, बट यू हैव टू डू द होल थिंग, राइट। आपको फिर से वैसे का ही वैसा बोलना, इसमें आपकी मेन मेमोरी पावर ही लगेगी और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। देखो, तो जैसे उसने जिस वे में उसने बोला उसी वे में आपने बोलना, तो यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दिस एज वेल। इसमें आपकी मेन मेमोरी पावर का ही होता है, यू हैव टू यू नो मेमोराइज द थिंग्स, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ इतना है नहीं। हाँ जी, अब आ जाता है डिस्क्राइब इमेज। तो दो टास्क जो हैं इस मॉड्यूल में, विच इज डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर, इसमें स्टूडेंट्स बहुत मार खाते हैं क्योंकि उनको दे रन आउट ऑफ कंटेंट। ओके, वो कंटेंट से उनको कंफ्यूज जाते हैं कि अब क्या बोलें, अब क्या बोलें, अब क्या बोलें। ओके, तो इसमें यू विल गेट मार्क्स फॉर स्पीकिंग और इसकी स्कोर कंट्रीब्यूशन मॉडरेट है, इतनी ही नहीं है बट है। अगर आपको 70 और या 80 या 90 चाहिए तो यू हैव टू, आपको एक एक पॉइंट की बहुत ज़रूरत है, राइट। हाँ, तो इसमें भी आपके कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल फ्लुएंसी यूज़ होगी, इसमें भी वो सेम रूल है। तो इसमें आप क्या करो, लाइक पहले तो आप टाइटल याद कर लो। ओके, से द टाइटल, और उसके बाद आप करो कि कीवर्ड्स उठा लो इसमें से। ओके, अभी तो ये जैसे कंट्री के नाम है, कंट्री के नाम काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं, नाउरू, ये पता नहीं इट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और नॉट, राइट। तो न्यू ए पता नहीं सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, है ना। तो कोई वैसे वाली कीवर्ड्स उठा लो, कोई वैसे वाली परसेंटेज उठा लो, कोई रैंक उठा लो, है ना, कि इमेज में ये चीज़ें हैं, इमेज में वो चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसे की चीज़ें ट्राई टू एलैबोरेट, कि स्क्रीन पर मैं देख सकता हूँ कि ऑन द स्क्रीन आई कैन सी कि दे आर नंबर्स लाइक 94, 91, 90, 90.8, 81.7। तो ऐसी की चीज़ें बोलना स्टार्ट करो ताकि आपका टाइम लिमिट भी पूरी हो और मेक श्योर कि कीवर्ड्स आप बोलो ताकि आपका कंटेंट भी पूरा हो। ओके, अगर आप कीवर्ड्स को प्रॉपरली बोलोगे तो आपके कंटेंट में भी, आपको प्रोनाउंसिएशन में भी और आपको ओरल फ्लुएंसी में भी मार्क्स मिलेंगे, है ना।
इसके बाद हमारा आ जाता है रिटेल लेक्चर। हाँ जी, रिटेल लेक्चर में वही है, डिस्क्राइब इमेज में आपको बस देख के बोलना है, रिटेल लेक्चर में आपने सुनकर बोलना है। ओके, तो इसमें भी आपके पास कीवर्ड्स ही होते हैं। आपने आपके पास नोटपैड होता है, सो यू जस्ट राइट, आप कीवर्ड्स नोट कर लीजिए साथ वाले नोटपैड पर। ओके, और फिर जब वो बोलेगा तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन कीजिए कि द लेक्चर वॉज अबाउट जो भी है, फिर आप अपना बोलना स्टार्ट कीजिए कि फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हेयर वर्ड्स लाइक, या अगर आप प्रॉपर कुछ सेंटेंस बना सकते हो तो आप प्रॉपर सेंटेंस बना लीजिए। इट वुड बी बेटर अगर आप प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं तो, राइट। हाँ जी, तो सेंटेंस बनाने के बाद जस्ट मेक श्योर कि आपकी ग्रामर सही हो, क्योंकि वो मैटर बहुत करती है इसमें, आपकी ग्रामर सही और आपकी फ्लुएंसी सही हो। और कंटेंट तो आपको कीवर्ड से मिल जाएंगे, इसमें भी वो सेम है, कंटेंट कंटेंट प्रोनाउंसिएशन ओरल फ्लुएंसी, और इसके भी स्कोर कंट्रीब्यूशन मॉडरेट है, ये 50% रिपीट होता है। ओके, हाँ जी, तो और ये जो सारे रेशियोज हैं, इट्स जस्ट एन आइडिया, लाइक आइडिया भी है बट इट्स एन एस्टिमेशन, ये हमारी एस्टिमेशन है कि इतने हो सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी फाइल्स एक्सेस की हैं जिससे हमको ये वाला परसेंटेज मिली। ओके, तो वही है कि इसमें यू कैन सी यू नो द लेक्चर वॉज अबाउट ब्रेन। ओके, फ्रॉम द लेक्चर आई कुड हेयर वर्ड्स लाइक कॉर्पस कैलोसम। ओके, या फिर जो भी उसने बीच में बोला आप वैसे ही कोई लाइन्स नोट कर लीजिए, या ये अगर आप एक लाइन में से दो या तीन कीवर्ड्स भी नोट कर लोगे ना, है ना, तो आप फिर अपना इजीली बोल पाओगे बस अपनी थोड़ी सी ग्रामर जोड़ के। और ग्रामर आपकी कैसे अच्छी होगी, रीडिंग एंड स्पीकिंग करके, जो मैंने पहले बोला था आपको। तो आप अपना इंग्लिश बेटर कीजिए, पीटी तो बहुत ईजी है। अब हम आएंगे आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस का यार इतना कुछ है नहीं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज पे है यार। आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे और इसकी वेटेज भी लो है, आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे, आपने उसको जनरल नॉलेज में आंसर देना। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप क्वेश्चन में से कोई भी कीवर्ड उठा के बोल दीजिए। ओके, यू विल एटलीस्ट गेट मार्क्स फॉर स्पीकिंग। अगर लिसनिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको स्पीकिंग के मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, तो ये इतना है नहीं इसमें कुछ। अब हम आ जाते हैं राइटिंग में, समराइज रिटन टेक्स्ट में। तो इसमें भी जैसे मैंने पहले बोला था, रिटेल लेक्चर में आप कीवर्ड्स उठाइए, इसमें से कीवर्ड्स उठा के लाइक एक तो आप मेन इंट्रोडक्शन लाइन बना लीजिए, एक आप अपनी कंक्लूजन लाइन बना लीजिए। ये दोनों लाइंस आपकी बन गई, जो बीच वाला कंटेंट है वो आप फिल करिए कीवर्ड्स के साथ विद प्रॉपर ग्रामर। प्रॉपर कीवर्ड्स टाइप कीजिए कि जैसे यहाँ इससे नोट कीजिए कीवर्ड्स, कोई इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, ओके 20th सेंचुरी हो गया। यू कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली डेट्स, वैल्यूज, नेम्स एंड प्लेसेस, थिंग्स, ऐसी की चीज़ें होती हैं कीवर्ड्स जो ये दिमाग में रखता है। फोकलिफ्ट ट्रक्स, एम्बुलेंसेस, अर्बन डिलीवरी व्हीकल्स, ओके, पेट्रोल, उसके बाद हमारा आ गया रोड व्हीकल्स, है ना, पावरिंग ट्रेन्स, ट्रेन्स हो गए इसमें। तो ऐसे की चीज़ें कीवर्ड्स होती हैं जिसको आप लगाकर यू कैन मेक योर सेंटेंस, आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, है ना। तो ये होता है इसमें, इसमें भी आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी आपकी सही होनी चाहिए, डू नॉट मैस अप द वोकेबलरी, कोई भी हर एक वर्ड अच्छे से लिखें। ओके, कंटेंट जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, और फॉर्म जो आपकी फॉर्म हो चाहिए, इंट्रोडक्शन, द मिडल पार्ट एंड द कंक्लूजन, राइट। ये इसके भी कंट्रीब्यूशन मॉडरेट होती है, यू गेट मार्क्स फॉर योर राइटिंग एंड यू गेट मार्क्स फॉर योर रीडिंग, क्योंकि आपने पढ़ के, यू हैव टू समराइज इट, आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर राइट एसे। इसके भी स्कोर कंट्रीब्यूशन मॉडरेट है, इसमें आपको सिर्फ राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपको एक लाइन दी होती है, आपको एक टॉपिक दिया होता है, आपने उस पर ही बोलना होता है, ठीक है। इसके में इनेबलिंग स्किल्स बहुत हैं। ओके, और अगर आप इतने याद रखेंगे, पहली बात तो ये याद होंगे नहीं, अगर ये याद हो गए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि यार मैं इसमें ना मार्क्स लूज कर जाऊँ, मैं उसमें ना मार्क्स लूज कर जाऊँ। तो वट आई विल टेल यू इज, जो मैं बताऊंगा आपको, कि ऐसे में आपको बस अपने कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको अपनी ग्रामर सही रखनी है, और आपको अपनी वोकैबलरी सही रखनी है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
बस मेक श्योर कि अगर किसी यहाँ पे है, सम पीपल बिलीव दैट ऑल सिटीज एंड टाउन्स शुड हैव एट लीस्ट वन लार्ज पब्लिक ओपन स्पेस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? ओके, अगर इसमें आप एग्री करोगे तो देन यू विल से कि पब्लिक स्पेसेस होने चाहिए, क्योंकि लोग गैदरिंग्स कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स हो सकते हैं, विल गेट टू नो इच अदर, जो लोग अलग अलग कल्चर से मिल सकते हैं, ऐसे की चीज़ है. ओके, क्योंकि जब आप पब्लिक ओपन स्पेस देखो, जैसे अगर आप अपनी सिटी में भी कोई आपकी पब्लिक ओपन स्पेस है, अगर एक गार्डन ही है, तो वहाँ पे लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, सोशल इंटरेक्ट होते हैं, है ना? तो ये तो हर जगह ट्रू है. तो ऐसी की चीज़ें उठाने की सोचो. ओके, गेट कंटेंट लाइक दिस. तो बस ये कंटेंट हो गया आपके पास, और ग्रामर सही पुट करो. अगर ऐसे में ग्रामर सही पुट करोगे, आपके इजीली बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. बस आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए. द मेन थिंग इज द ग्रामर, क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम करो. ओके, क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चों के मार्क्स, बच्चे नहीं, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के मार्क्स लूज करवाती है. ओके, और ऑल्सो ऑल्सो सॉरी, इसमें आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 200 से 300 वर्ड्स की. ओके, द आइडियल वर्ड लिमिट इज अराउंड 370, 350 टू 370, ओ सॉरी 250 टू 270 वर्ड्स. हाँ, 370 तो बहुत ऊपर चला गया मैं. सो इट्स 250 टू 270 वर्ड्स आइडियल वर्ड लिमिट होगी. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू आर रीडिंग, विच इज जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. ओके, रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब इसमें इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है. रीडिंग में दो टास्क हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, विच इज योर रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स. इनकी दो की बहुत हाई है. ओके, तो रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में आप जैसे द नाम में है, आपको रीडिंग के और राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं. ओके, सो इसमें जो आपने देखना होता, सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज इज द कंटेंट. ओके, आपने सारा, अगर सारा पढ़ सकते हो, आप सारा पढ़कर आप एक आइडिया लगा लीजिए कि ये सॉरी, आप एक आइडिया लगा लीजिए कि ये पैराग्राफ इस सेंस में है, इस पैराग्राफ इस बारे में है, द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ओके, कंटेंट बहुत 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 जरूरी है इस टास्क में. वोकैबुलरी, ग्रामर सब बाद में आती है. सी, इस टास्क में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कुछ भी जोड़ने से इजी उसको तोड़ना है. ओके, तो इस टास्क में ट्राई टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए ऑप्शंस को, क्योंकि हर एक आंसर के लिए आपको चार चार ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा. ओके, सो सी देयर स्मॉल, यहाँ पे बात करें, पंख हेयर स्टाइल्स एंड ब्राइट कलर्स, मार्मोसेट्स एंड टैमरीन्स आर अमंग द मोस्ट अट्रैक्टिव प्राइमेट्स ऑन अर्थ. दीज फास्ट मूविंग लाइट वेट एनिमल्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. देयर स्मॉल साइज डैश इट इजी फॉर देम टू डार्ट अबाउट द ट्रीज, टेक्स इट इजी फॉर देम, ब्रिंग्स इट इजी फॉर देम, क्लेम्स इट इजी फॉर देम, मेक्स इट इजी फॉर देम. तो यहाँ पे मेक्स आएगा, क्योंकि कॉन्टेंट की बात हो रही है. वो बोल रहे हैं कि उनका स्मॉल साइज डैश इजी फॉर देम, इट इजी फॉर देम टू डार्ट अबाउट द ट्रीज. ओके, तो उनका स्मॉल साइज मेक्स इट इजी फॉर देम, राइट? तो ऐसी की चीजें को बहुत ध्यान रखिए. और कई बार इसमें होता है कि आपको सिनोनिम्स आते हैं. ओके, आपको सिनोनिम्स आते हैं, तो सिनोनिम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. यू हैव 50-50 चांस, क्योंकि बाकी अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास कई बार दो ऑप्शंस रह जाएंगे जो सिनोनिम्स होते हैं, ग्रामेटिकली भी सही होंगे, और अगर आप उसको पुट करेंगे तो सेंस भी पूरी बनेगी बात की. ओके, बट फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क आ जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो आप कॉन्टेक्स्ट पढ़िए सारा, गेट टू नो द कॉन्टेक्स्ट, गेट टू नो द आइडिया कि हाँ यार ये है किस बारे में, और उस हिसाब से प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है, कई बार आपका ग्रामर, अगर कि कई बार कई वर्ड्स होते हैं जिनकी ग्रामर पे पता चल जाता है कि यार ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. ओके, तो आप ग्रामेटिकली एलिमिनेट भी कर सकते हो, बट कई बहुत बार कॉन्टेक्स्ट काम आता. ओके, आई थिंक मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेंट कॉन्टेक्स्ट को मिक्स कर दिया, बट इट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स द होल थिंग का आइडिया किस बारे में है. ठीक है, इसकी बहुत हाई कंट्रीब्यूशन है. अगर आप पीटी में रीडिंग में अच्छे मार्क्स चाहते हो, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझ कर प्रैक्टिस कीजिए. सिर्फ प्रैक्टिस करने का कोई फर्क नहीं, समझ कर प्रैक्टिस कीजिए. ओके,
आफ्टर दैट वी बिगिन आर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज, मल्टीपल आंसर. ओके, तो इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन स्कोर की लो है, आपको रीडिंग के मार्क्स मिलेंगे, बट इसमें एक चीज जो है विच इज नेगेटिव मार्किंग. ओके, लाइक अगर आपके दो ऑप्शंस, अगर आपके इसमें से दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ओके, और अगर आप एक सही ऑप्शन चूज कर लेते हो, एक गलत ऑप्शन चूज कर लेते हो, तो यू गेट जीरो, क्योंकि सही ऑप्शन के आपको प्लस वन मिले, गलत ऑप्शन के आपको माइनस वन मिले, टोटल हो गया आपका जीरो. बट अगर आप दो गलत ऑप्शंस चूज कर लेते हो, देन यू ऑल्सो गेट जीरो, यू वॉन्ट गेट, आपको माइनस टू नहीं मिलेंगे, आपको जीरो ही मिलेगा. ओके, तो ये माइनस में नहीं जाएगा, पर अगर प्लस वन है और एक गलत है तो माइनस वन है, तो आपको जीरो मिलेंगे. ओके, तो इसका अगर आप एक आंसर आपको श्योर है कि हाँ यार ये तो है ही है, आई एम लाइक 100% श्योर हूँ मैं कि ये आंसर है, तो वो एक सेलेक्ट कर लो, और अगर दूसरे में आपको कोई डाउट है तो रहने दो सेलेक्ट करना उसको, क्योंकि जीरो से बेटर, जीरो से आई वॉज गोइंग टू से बेहतर, जीरो से बेहतर वन है. ओके, सो दैट्स द थिंग. ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे एक सही था एक गलत था, तो मेरे को इसमें जीरो मिले. ठीक है, अगर मेरे दोनों गलत होते तो मेरे को यहाँ पे जीरो, फिर जीरो मिलने थे. अगर मेरे को एक सही होता और दो गलत होते तो फिर जीरो मिलने थे. ठीक है, अब आ जाते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, तो रीऑर्डर पैराग्राफ में जो आपने चीजें देखनी है, वो आपने देखनी है वैल्यूज, नेम्स, प्लेसेस, थिंग्स, ऐसी की चीजें, और आपने रिपीटिंग वर्ड्स देखने हैं, और इसमें भी वही चीज मेन है, कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, द बस ड्राइवर अरेस्टेड हर, हर कौन है यहाँ पे, सो लेट्स लुक फॉर हर, की हर है कौन, हर, शी, ओके, इसमें तो है नहीं हर का मेंशन, रोजा पार्क्स, तो हर चीज के, हर चीज में रोजा पार्क्स को एड्रेस किया जा रहा है, और इसमें देन आ गया. इसमें अगर इसमें रोजा पार्क्स को एड्रेस नहीं कर रहे ना, इसमें देन आ गया, देन का मतलब ये आएगा ही बाद में. ओके, तो रोजा पार्क्स हमारा आ गया पहले नंबर पर. ओके, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सिविल राइट्स मूवमेंट. ठीक है, द बस ड्राइवर अरेस्टेड है, उसको क्यों अरेस्ट किया, हर अरेस्ट मेड हैड मार्टिन लूथर किंग्स अटेंशन, ये भी नहीं है, शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन, उसने सीट रिफ्यूज कर दी देने से, तो बस ड्राइवर ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसकी अरेस्ट ने मार्टिन लूथर किंग की अटेंशन पाई, किंग ने देन बस सिस्टम को बॉयकॉट कर दिया. सी, आपका एक आंसर बन गया पूरा. ओके, सो इसमें आप टाइमलाइन फॉलो कीजिए, अगर जब आपने एक बारी सारा रीऑर्डर कर लिया ना, जस्ट एक बारी उसको रीड थ्रू कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये सही बन रहा है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है ना, तो इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो करने में, कि अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन, क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ्स में बहुत कन्फ्यूजन आती है, बट रिपीटिंग वर्ड्स, ओके, और वैल्यूज से आप देख सकते हो. ओके, और हर एक उसमें, सॉरी, हर एक लाइन के बाद, ओके, देखो कि अगर वो लाइन किसी क्वेश्चन में बदल सकती है तो ठीक है, क्योंकि ये रोजा पार्क्स हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सिविल राइट्स मूवमेंट्स इज अ इंडिपेंडेंट लाइन, ये इंडिपेंडेंट है, इसको इसके पहले कोई लाइन आने का मतलब है नहीं. ठीक है, तो ऐसे देखो कि कोई लाइन, ये वाली लाइन क्वेश्चन में यू नो चेंज हो सकती है, शी रिफ्यूज टू गिव हर बस सीट टू अ वाइट मैन, हु वाज, हु इज शी, ऐसे. ओके, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप बेटर हो जाएंगे इसमें. अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के, ये काफ़ी इजी है रादर देन रीडिंग एंड राइटिंग से, क्योंकि इसमें आपको लाइक तीन चार ब्लैंक्स होंगे और आपको पांच छह ऑप्शन में से चूज करना होगा, तो इट्स प्रिटी इजी. और इसमें भी जो मैंने उसका बोला था कि आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, सो यू हैव टू रीड द होल थिंग एंड यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट की है किस बारे में, राइट. हाँ जी, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम मैं लगाना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू फिनिश द वीडियो इन 30-35 मिनट्स, क्योंकि कईयों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, और हर चीज़ को, कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हर चीज़ को काफ़ी एक्सटेंड कर देते हैं, जस्ट टू यू नो कन्फ्यूज द चिल्ड्रन, एंड जस्ट टू, क्योंकि चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन में बोली जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स, जस्ट टू कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताने के कि उनको रियलाइज़ हो
कि यार ये पीटी तो बहुत मुश्किल है, पीटी इज नथिंग, ओके, आपको बस सही गाइडेंस की जरूरत है, दैट्स इट। अब हम जा जाते हैं एमसीक्यूज, सिंगल आंसर, ये बहुत लो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी, तो अगर आपका ये गलत भी हो जाता है, बट अगर आपके बाकी सारे टास्क सही हैं रीडिंग के, तो आप रीडिंग में 90 इजीली अटेन कर सकते हैं, बहुत इजीली, क्योंकि आपको सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं थोड़े से, सो दैट्स द थिंग। तो इसमें भी आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, बट फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना ये सारा पढ़िए, और इसको पढ़ते पढ़ते आप अपने क्वेश्चन के लाइक व्हाई डज द ऑथर मेंशन द पैरलाइज्ड पेशेंट्स, तो ऑथर ने पैरलाइज्ड पेशेंट को क्यों मेंशन किया, अब आपने बस वो क्यों का आंसर ढूंढना है इस सब में से, क्यों मेंशन किया, ठीक है, तो इसमें ये बात होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट लास्ट मॉड्यूल पे, विच इज लिसनिंग। सो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, आपको मार्क्स मिलते हैं आपके लिसनिंग के और आपके राइटिंग के, ओके। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको वो बोलते हैं और आपको समराइज करना होता है, ओके। सो रादर देन राइटिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स में लिखने से पहले आप अपने नोट पैड पे नोट कीजिए जो भी है आंसर्स आपके, ओके, आप कीवर्ड्स नोट कीजिए और फिर आप बोलिए, ओके। आपको शॉर्ट लेक्चर मिलेगा, ओके, आपने उसकी समरी बनानी है और आपने टास्क 10 मिनट में फिनिश करना है। तो आप क्या कीजिए, आप कीवर्ड्स नोट कीजिए, कम से कम 15 से 20 कीवर्ड नोट कीजिए, ओके। फिर जब आपके कीवर्ड्स नोट हो गए, तो कीवर्ड्स नोट होने के बाद आप अपने उस सेंटेंसेस को बनाइए। जैसे मैंने आपको पहले एक टास्क में बताया था कि हर एक लाइन के ट्राई टू नोट 3 से 4 कीवर्ड्स, ताकि आप इजीली सेंटेंस बना सको और आपको आइडिया लग जाए कि हाँ लेक्चर है किस बारे में। तो इसमें बस ये, और इसमें आपको बस दो चीज़ें का ध्यान रखना, तीन चीज़ों का ध्यान रखना, आप अपने कीवर्ड्स, ओके, आपके ग्रामर और आपके स्पेलिंग्स, ठीक है, आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, आपके कीवर्ड्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए जो लेक्चर में है, ओके। तो इसका ये है मीन, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सी हाउ वेल योर रिस्पॉन्स प्रेजेंट्स द की पॉइंट्स, जो आपके कीवर्ड्स हैं, क्वालिटी ऑफ राइटिंग मीन्स योर ग्रामर एंड योर स्पेलिंग, तो इसमें ये चीज़ें हैं, ये एनेबलिंग स्किल्स में, यू गेट योर ग्रामर, यू गेट योर वोकैबुलरी, यू गेट योर कंटेंट, यू गेट योर फॉर्म एंड यू गेट योर स्पेलिंग, ओके। ये इतना ज़्यादा सोचने का है नहीं, इसमें ज़्यादा फायदा नहीं इतना ज़्यादा कुछ सोचने का, जस्ट फोकस ऑन योर ग्रामर, फोकस ऑन योर स्पेलिंग एंड फोकस ऑन योर कीवर्ड्स, दैट्स इट। ये जो सारी एनेबलिंग स्किल्स हैं ये है फ्रॉम पीटीई, ओके, बट ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर ग्रामर, योर स्पेलिंग्स एंड योर कीवर्ड्स, योर कॉन्टेंट, ओके। नाउ हैव यू गॉट मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, इसकी बहुत लो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत कम रिपीट होते हैं, ओके, बट इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लो है। सो आपको एक आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, रिकॉर्डिंग में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इसमें बस ये है कि आप सुनते हुए आप एक आइडिया लगा लीजिए कि है किस बारे में, ओके। जैसे इसमें व्हाट कॉजेस सुनामीज, तो आप वहाँ पे सुनिए कि सुनामीज कैसे होते हैं, दैट्स द मेन थिंग। इसमें कुछ कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे को समझाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, कई होते हैं जो हर एक में कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ भी कर देते हैं, ओके। टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो, क्योंकि अगर वो समझाने लग गया तो ये 2 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी, ओके। बट कई टास्क होते हैं विच इज़ जस्ट यू, बस आपकी मेहनत है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कहते हैं कि इसमें आप ये करिए, इसमें आप वो करिए, उससे कुछ भी नहीं होता, दे जस्ट ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू, वो बस आपको रील इन कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ साइन अप कीजिए, हम आपको ये हर एक चीज़ का बताएंगे, इसमें क्या बता लेंगे वो आपको, आपको बस ध्यान लगाना और आपको बस क्वेश्चन को देखना है कि हाँ क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, दैट्स इट। लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क इन पीटीई एग्जाम, एंड इट इज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी सॉरी इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी हाई, इसका बहुत हाई कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके। और इसमें बस आप एक चीज कीजिए कि आप सारा पढ़ लीजिए पहले, ओके। सारा आपने जब पढ़ लिया पहले, सॉरी, हाँ जी, आप बस मेक श्योर कीजिए कि इसके ब्लैंक्स किधर हैं,
क्योंकि कई बार क्या होता है, दो ब्लैंक्स काफी साथ में होते हैं, तो आप जब लिखने लगते हैं ना, क्योंकि कई कई बच्चे कई स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स नॉट बच्चे, स्टूडेंट्स बड़े भी देते हैं बीटी, ओके, कई स्टूडेंट्स टाइप करने लग जाते हैं साथ में, क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड तेज होती है. बट जो वो मिस्टेक बना करते हैं, दैट इज कि कई बार दो सेंटेंस, दो फिल इन द ब्लैंक साथ में होते हैं, ब्लैंक साथ में होते हैं, तो दे मिस दी सेकेंड वन. ओके, तो इसमें आप क्या कीजिए, बस एक आइडिया लगा लीजिए कि हाँ फिल इन द ब्लैंक कैसे हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं, और जब भी हो तो आप अपने नोट पैड में नोट कर लीजिए आंसर्स. इसमें भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट यू कैन जस्ट फोकस, राइट, एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, दैट्स इट. ये बहुत ईजी है, इसमें मार्क्स करने बहुत ज़्यादा, जस्ट मेक श्योर दैट स्पेलिंग इज करेक्ट. और जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना, दैट आपको स्पेलिंग लगता है कि हाँ शायद इसमें स्पेलिंग गलत हो सकते हैं हमारे, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप वर्ड को ब्रेकअप कीजिए तीन या चार पार्ट्स में. तीन या चार पार्ट्स में ब्रेकअप करने के बाद हर एक पार्ट को अलग से प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए. ओके, जब आपने हर एक पार्ट को अलग से प्रोनाउंस कर लिया, उस सारी प्रोनाउंसिएशन को साथ में जोड़ दीजिए, आपको आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड मिल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई साइलेंट लेटर ना हो उसमें. जैसे साइकोलॉजी में द पी इज साइलेंट एंड दी एच इज साइलेंट इन कायोलॉजी, ओके, वैसे नॉलेज में जैसे के साइलेंट है, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट योर आंसर्स. ओके, तो हाईलाइट करेक्ट समरी, इसमें भी यू हैव टू जस्ट लिसन टू द होल थिंग, एंड इसमें भी यू नो ट्राई टू एलिमिनेट द आंसर्स और ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स. ओके, इसमें हर एक ऑप्शंस में से कोई कीवर्ड उठा लीजिए. जब आपने कोई कीवर्ड उठा लिया, अगर क्योंकि ऐसे का कीवर्ड आइए कि आपको पता है कि इसके बिना तो आंसर आना ही नहीं है. ओके, और जब आपने कीवर्ड उठा लिया, तो कीवर्ड उठाने के बाद फिर आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए. लिसन टू द थिंग्स एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग कि हाँ ये नहीं आ रहा इसमें, ये नहीं आ रहा इसमें. आप नॉट का बहुत ध्यान रखिएगा, और इसमें भी आपको कॉन्टेक्स्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें आप छोटे छोटे कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखिए, ताकि आपको ये सही हो जाए. इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लो है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट 70, 80, 90, यू हैव टू आपको सही से ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का. ओके, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, वही वाली बात होगी इसमें, रीडिंग वाली सी. आपको बस सुन के आपको सही से आंसर देना है इसका. इसमें कुछ भी इतना नहीं है बताने के लिए, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट. क्वेश्चन देख के जस्ट, वो एक जो आता है ना, क्यू, व्हाट कमेंट्स आर मेड अबाउट स्टूडेंट्स इन द थिएटर स्टडीज प्रोग्राम. सो थिएटर स्टडीज प्रोग्राम की जब बात स्टार्ट होगी, तब आप बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? और जब स्टूडेंट्स की बात स्टार्ट हो बीच में, तो सिलेक्ट मिसिंग वर्ड इज वेरी इजी. आपको सारे में एंड में बीप सुनाई देगी जहाँ पे आपको वर्ड्स चाहिए. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सारा सुनकर आप एक आइडिया लगाइए आप एक आइडिया लगाइए कि है किस बारे में सारी रिकॉर्डिंग. ओके, और आप अगर चाहें तो आप कीवर्ड्स भी नोट कर सकते हैं जो आपको इजी कराएंगे कि हाँ ये सारा है किस बारे में. ओके, तो आप कीवर्ड्स नोट करके देन यू ट्राई टू यू नो गेट द जिस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग. सारी रिकॉर्डिंग का आइडिया पता लग जाए कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग है किस बारे में, फिर आप आंसर दे सकते हैं अपना. ओके, इसको भी आप अपनी प्रैक्टिस से बेटर कर सकते हैं. प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए रीडिंग और स्पीकिंग से. पढ़ पढ़ कर बोलिए. यू कैन रीड आर्टिकल्स फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से आर्टिकल्स उठा के पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए. या अगर आपके घर पर न्यूज़पेपर आती है इंग्लिश की, ट्रिब्यून या कुछ भी ऐसे की, हिंदुस्तान टाइम्स और समथिंग, तो आप वो पढ़नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट इंग्लिश होती है, बहुत सही इंग्लिश होती है उसमें. ओके, द नेक्स्ट वन इज योर हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स. ये भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें बस आपने जस्ट मेक श्योर आप ना जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, आप अपनी फिंगर या आप अपना पेन या आप अपना कर्सर उसके साथ साथ स्ट्रोल कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, और जहां वो गलत वर्ड बोले उसको बस क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट. इसमें आप फुल मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हो, और इसकी स्कोर कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है. ओके, आपको इसमें आपकी लिसनिंग के और आपको रीडिंग के मार्क्स मिलेंगे. ओके, बस साथ में लिख पढ़ पढ़ कर आप क्लिक कर दीजिए साथ में. ओके, दैट्स द मेन थिंग. और ये बहुत ईजी टास्क है, इसमें कुछ इतना है नहीं करने को. आपको मैं आपको बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, जस्ट हैव टू फोकस, दैट्स इट, दैट इज इट. नाउ द लास्ट टास्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन. ओके, अब इस टास्क में आप एक सेंटेंस सुनेंगे और आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो इस टास्क में भी आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे जो जो कीवर्ड्स बोलेगा,
अगर आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग है, विच इज़ वेरी गुड, देन बहुत सही बात है। अगर आपकी मेमोरी पावर इतनी नहीं स्ट्रांग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये सुनकर, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे लिसनिंग के और राइटिंग के, सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो, आपकी ग्रामर करेक्ट हो, और आप वर्ड काउंट पूरा करें, क्योंकि इसमें वर्ड काउंट के भी स्पेलिंग होते हैं कि हाँ भाई अगर सेंटेंस में 9 वर्ड्स थे तो जो स्टूडेंट है उसने भी 9 वर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक वर्ड का छोटा छोटा कीवर्ड लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी हो गया तो जस्ट नोट किया UNI, अगर स्कूल हो गया तो टाइप कर लिया SCH, अगर स्कूल्स है तो टाइप कर लिया SCHS, एस फॉर क्या आपको पता चले हाँ भाई प्लूरल है ये, ठीक है। तो इसमें आप कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं, तो कीवर्ड्स नोट करके फिर आपका एटलीस्ट वर्ड काउंट तो पूरा हो जाएगा कि हाँ भाई इतने वर्ड्स हैं, स्टूडेंट ने इतने वर्ड्स लिखे हैं। ओके, सो दिस इज अ थिंग, और मेक श्योर आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो। अगर आप हर एक वर्ड का पहला कीवर्ड लिख पहले सॉरी हर एक वर्ड का 3-4 लेटर्स लिख लेंगे, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये वर्ड है। और एज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ऐसे के जितने भी होते हैं, इस पर बहुत ध्यान दीजिए इसमें। ओके, और जस्ट मेक श्योर अगर आप ये याद भी नहीं कर पा रहे ना, जस्ट मेक श्योर कि हाँ यार चीज़ की सेंस बने, सेंस बननी चाहिए। ओके, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी थिंग एज क्लियरली एंड एज फास्ट एज आई कैन, ताकि ये 30-40 मिनट में ख़त्म हो जाए। ओके, दिस इज़ द होल थिंग, और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ कोई चीज़ पूछनी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, हमारा फेसबुक का हैंडल है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट एज वेल। और आप कमेंट्स में और भी लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, या इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी कि मैं अपना अपनी टीचिंग कैसे अच्छी कर सकता हूँ, या मैं इस वीडियो में क्या और एक्सप्लेन कर सकता था, जस्ट लीव इट इन द कॉमेंट्स। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ आई कैन गेट एनी सजेशंस फ्रॉम यू। सो आई एम समरीत एंड आई विल सी यू सून। ऑल्सो बहुत ज़रूरी, मैं आई एम न्यू टू ऑल दिस, सो आई फॉरगॉट सेइंग इट अर्लियर टू सब्सक्राइब। आई एम समरीत एंड आई विल सी यू सून। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।